गणित पाठ पांच में हम कर रहे हैं पहाड़े और बंटवारे, और इसमें आज हम सीखेंगे गुणा को लैटिस विधि द्वारा। यानी कि आज हम जो हमारे पास संख्याएं होंगी उनको हम गुणा करेंगे लैटिस मेथड से, लैटिस विधि से। तो चलो करके देखते हैं। और लैटिस विधि से बेटा हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसा होता है, फास्ट होता है, वो तेजी से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आने लेते हैं, 35 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और कैसे करना है, लैटिस मेथड से करना है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, चाहे आप स्क्वायर बना लो चाहे रेक्टेंगल, एक बॉक्स आपको बना लेना है। उस बॉक्स को आपने इक्वली दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड करना है। इस प्रकार करने के बाद आपने उन बॉक्स को इस प्रकार डिवाइड कर देना है, डायगनली डिवाइड आपने करना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 35 को 2 से करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 35 मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर वही तरीका जिससे हम मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, 25 जो है, 52 जो कितना होता है, 10। तो ये हमारा नंबर 10। अब 0 हमारी किसके स्थान पर है, इकाई के, 1 किसके, ढाई के, यानी कि टेंस के प्लेस पर है। तो अब कहाँ हमें वंस लिखना है, कहाँ टेंस, ये अब हम देखेंगे। हमें बेटा जो हमारे पास नंबर आया है अगर वो वंस की पोजीशन पर है तो उसको हम नीचे लिखेंगे। तो वंस के पोजीशन पर क्या है, 0, उसको हम लिखेंगे नीचे। टेंस की पोजीशन वाला नंबर जाएगा ऊपर, हमने इस प्रकार इसको लिखना है। दूसरा क्या है, 2, 3 जा 6। अब 6 अकेला एक नंबर है, इकाई का स्थान है, तो इकाई वाला हमने कहाँ लिखना था, नीचे, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बेटा क्या है, हमने इनको करना है ऐड, यानी कि हमने इनको जमा करना है। जमा कैसे करना है, जमा भी हमने डायगनल ही करना है, इस पोजीशन में ही करना है। तो ये है हमारा 0, 1 और 6 कितना हो गया, 7, और ये कितना है, 0, यानी कि हमारा उत्तर जो आया वो आया है 70। चलो करके देखते हैं जिस मेथड से हमने पहले किया, 35 को हमने 2 से करना है, इस मेथड से हमने किया था। तो इससे हम करके देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। 2, 5 जा 10, 1 नीचे, ठीक है, जो 1 की पोजीशन पर, 0 नीचे और 1 कैरी ऊपर, 3, 2 जा 6 और 1, 7। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 35 को 2 से जो लैटिस मेथड से किया है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट करते हैं बेटा। अब हमें करना है 34 को 23 से। अब यहाँ पे हमें वहां सिंगल डिजिट से करना था, तो हमें सिंगल सिंगल बॉक्स थे। अब हम कैसे करेंगे, सेम वही, सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, ऐसे बॉक्स बनाओ, उसको इक्वली 2 में डिवाइड हमें करना है। अब 23 है, 2 नंबर चाहिए, तो इसको हमने एक बार और ऐसे डिवाइड करना है, और फिर हमने इनको कैसे करना है बेटा, डायगनली इस प्रकार हमने इनको डिवाइड करना है इस मेथड से, ठीक है। जैसे 34, 23, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 2, 4 जा 8, 1 है, 8 को यहाँ ऊपर 0, 3, 2 जा 6, 6, 0, 4, 3 जा 12, यानी कि 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3, 3 जा 9, 1 यहाँ। अब हमें करना क्या है, इनको जमा करना है। जमा करने का वही तरीका, ऐसे हमने डायगनली इनको जमा करना है। ये देख लेते हैं यहाँ कितना है बेटा, सिर्फ 2 है, ये देखो क्या है, 8, 1, 9, अगेन 9, कितना हो गया, 18। अब 18 आए हैं, तो 1 वाला हम यहाँ लिखेंगे और 1 अगले में क्या चला जाएगा, कैरी, 1 कैरी और 6 कितना हो गया, 7, और ये है हमारा कितना, 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0, 7, 8, 2, यानी कि 7, 8, 2 हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, 67 को 59 से हमें करके देखना है। सेम वही तरीका, हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले ये हमारा बॉक्स है, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, इस प्रकार किया, फिर हमने इनको डायगनली इस प्रकार हमने डिवाइड किया। ये करने के बाद ऊपर 67, यहाँ पर हमें करना किससे, 59 से। वही तरीका, 7, 5 जा 35, 5 1 पर है या नीचे, 10 की पोजीशन ऊपर,
5 जा 30, 0 नीचे 3 ऊपर, 9 7 जा 63, 3 वंस पर 6 टेंस की पोजीशन पर, 6 9 जा 54, 4 वंस पर और 5 टेंस पर। फिर वही जमा करने का तरीका, डायगोनली हमें इस प्रकार इनको जमा भी ऐसे ही करना है। यहाँ कितना है बेटा 3, ये 6 5 कितना हो गया 11 और 4 15, 5 यहाँ और 1 चला जाएगा नेक्स्ट में ऐड होने के लिए कैरी, 3 और 1 4 और 4 और 5 9 और ये कितना है हमारा 3, यानी कि हमारा उत्तर आया है 3 9 5 3। तो इस मेथड से जब हम करते हैं तो हमारा आंसर यही होता है, लेकिन ये हमारा लैटिस विधि द्वारा गुणा हम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है गुणा और कौन से मेथड से, लैटिस मेथड से।